हेलो एवरीवन, दिस इज सत्यवान एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सत्या। हम लोग कंडीशनल पढ़ रहे हैं। हमने कंडीशनल में लास्ट वीडियो में हमने उनके उसके टाइप्स पढ़े थे। कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के, ओपन, सेमी क्लोज्ड एंड क्लोज्ड। ओपन कंडीशनल का मीनिंग क्या होता है कि जो कंडीशन लिखी होती है वो प्रेजेंट की होती है और वो प्रोबेबल सिचुएशन होती है, यानी कभी फ्यूचर में वो होना पॉसिबल है। प्रेजेंट की प्रोबेबल सिचुएशन को हम लिखते हैं ओपन कंडीशनल में। फिर सेमी क्लोज्ड में क्या लिखते हैं? सेमी क्लोज्ड में लिखते हैं प्रेजेंट का इमेजिनेशन या प्रेजेंट की अनरियलिटी, जो कभी ना तो हुई है ना कभी होगी। और फिर हम क्लोज्ड में क्या लिखते हैं? क्लोज्ड में लिखते हैं पास्ट का इमेजिनेशन, जो कंप्लीट स्टेट में है और जिसका रिजल्ट आ गया, बट वो पास्ट में कभी हुआ नहीं था, यानी पास्ट का इमेजिनेशन था, पास्ट की अनरियलिटी थी। अब इनके स्ट्रक्चर ओपन में तो जो हमने पढ़ा है वो टेंस में भी हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। मेन क्लोज जो होती है वो फ्यूचर की होती है, और जो इफ क्लोज होती है, जो कंडीशनल क्लोज होती है, वो प्रेजेंट में लिखी होती है। और इसका मीनिंग होता है बट ही मे बी, यानी पॉसिबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है फ्यूचर की। फिर सेकंड जो सेमी क्लोज में जो स्ट्रक्चर होती है, इफ क्लोज जो लिखी होती है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ, यानी बोलना चाहें तो हम पास्ट इंडेफिनेट बोल सकते हैं, बट बोलेंगे हम इसको प्रेजेंट की अनरियलिटी। और जो मेन क्लोज होती है वो होती है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। थर्ड होती है क्लोज्ड। क्लोज्ड की जो इफ क्लोज होती है वो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, यानी पास्ट परफेक्ट में। और जो मेन क्लोज होती है वो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि परफेक्शन शो करती है। इसके अलावा एक सिचुएशन और भी पढ़ी थी हमने, जो यूनिवर्सल फैक्ट्स और प्रोवर्ब्स होते हैं उनके लिए हम इफ क्लोज और मेन क्लोज दोनों को ही प्रेजेंट में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं ये हमने समझ लिया था। अब हम पढ़ते हैं आगे, जो हमने अभी तक पढ़ा उसी पे कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा, इफ ही हैड मनी ही वुड हैव बोट दैट कार। अब देखो, तीनों कंडीशनल की स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए। नहीं अगर याद है तो एक बार जो पहला वीडियो है कंडीशनल का वो देख लो अच्छे से। देख लिया है फिर भी नहीं याद है तो रिपीट कर लो, और जिसने नहीं देखा है वो एक बार देख लो, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा कंडीशन में इफ ही हैड, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके साथ मेन वर्ब होती, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है यानी ये सेमी क्लोज्ड है। वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जबकि हमने तो यहाँ पे लिख दी वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम इसको यहाँ से वर्ब की सेकंड फॉर्म बना दें तो सही हो जाएगा, एक चीज। दूसरी, हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि ये लिखा हुआ है क्लोज्ड में, तो हम इसको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दें। यहाँ पे हेड जो लिखा हुआ है यही मेन वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म भी हेड ही होती है, तो हेड हेड लिख दें तो भी सही हो जाएगा। तो क्या कौन सा सही करें? या तो यहाँ पे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखें या फिर यहाँ पे हेड हेड लिख दें, तो सही तो दोनों ही सिचुएशन में हो जाएगा। बट जब भी कभी ऐसी सिचुएशन हो कि दोनों तरीके से सही हो सकता है और दोनों ही मीनिंग लॉजिकल है, जिसमें ग्रामेटिकली और मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमेशा बाद वाला करेक्शन करना चाहिए, पहले वाला नहीं करना चाहिए। तो पहले वाला तो यही रहने दो, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दो बाई। तो ये सेमी क्लोज्ड हो गया, इफ ही हैड मनी ही वुड बाय दैट कार। और इसका अंडरस्टूड मीनिंग क्या हो गया?
बट ही डोंट, पर उसके पास पैसे हैं नहीं, ठीक है। यानी ये प्रेजेंट का इमेजिनेशन हो गया, अनरियलिटी हो गई। सेकेंड एग्जाम्पल, दे माइट हैव वॉन द मैच इफ दे ट्राइड ए बिट हार्डर। दे माइट हैव वॉन द मैच इफ दे ट्राइड बिट हार्डर। हमने यहाँ पे क्या लिखा, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्लोज कंडीशन की स्ट्रक्चर होती है। फिर हमने कंडीशनल में क्या लिखा, इफ क्लोज में क्या लिखा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अगर ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो यहाँ आना चाहिए माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये प्रेजेंट का इमेजिनेशन हो गया, अनरियलिटी हो गई, तो इसके लिए यहाँ पे आना चाहिए माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर एक चीज़ तो ये, दूसरा ऐसा भी हो सकता है ये परफेक्ट में लिखा हुआ है, पास्ट का इमेजिनेशन है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। एक तरीका ये सही हो गया और दूसरा हो गया माइट विन। ये लिख के ये रहने दें तो भी सही है। और माइट हैव वॉन द मैच इफ दे हैड ट्राइड ए बिट हार्डर, तब भी सही है। तो हमें कौन सा करेक्शन करना चाहिए? अगर ऐसा कभी भी हो कि दो तरीके से एक ही सेंटेंस को सही किया जा सकता है और दोनों ही सही होने के बाद एक लॉजिकल मीनिंग कन्वे हो रहा है और ग्रामेटिकली भी सही है, तो हमेशा बाद वाला करेक्शन किया करो। तो इसको लिखेंगे इफ दे हैड ट्राइड ए बिट हार्डर, माइट विन नहीं लिखेंगे। यानी अगर दोनों तरीके से पॉसिबल है ना और दोनों ही सेंसिबल हैं तो बाद वाला करेक्शन करना चाहिए। हम इंग्लिश को पढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट, बट अगर जब करेक्शन करने की बात आती है तो राइट मोस्ट को पहले करेक्ट करते हैं, ये बात याद रखना। फिर मैंने एक एग्जांपल लिखा, इफ ही टोल्ड देम द ट्रूथ दे वुड हैव फॉरगिवन हिम। इफ ही टोल्ड देम द ट्रूथ दे वुड हैव फॉरगिवन हिम। यहां पे लिखा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे हमने लिखा टोल्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो हमने पढ़ा कि अगर ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी है कंडीशन में, तो मेन क्लोज में क्या आएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म करेंगे तो सही हो जाएगा। दूसरा तरीका ये भी है कि यहाँ पे हैड प्लस हैड टोल्ड लिख दें तब भी ये सही हो जाएगा। तो हमें करेक्शन क्या करना चाहिए, बाद वाला। बट मान लो अगर एग्जाम में ऐसा स्लैश लगा हुआ हो, ये ए पार्ट हो, ये बी पार्ट हो, ये सी पार्ट हो और डी पार्ट और लिखा हो, नो एरर, तब क्या करेंगे? अब यहाँ पे हम क्या फॉरगिव कर दें, फॉरगिव कर दें तो हेड को नहीं हटा, हैव को नहीं हटा पाएंगे, हैव को हटाते हैं तो ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक ही साथ दो करेक्शन नहीं कर सकते। तब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, यहाँ पे ही हैड टोल्ड। अगर वो स्लैश नहीं लगे होते ना तो यही करेक्शन करते हैं, बाद वाला। बट अगर बाद वाला हमें पता है कि दो करने से सही होगा तो वहां पे नहीं करेंगे, हम यहां पे करेक्शन करेंगे। तो अब ये ऐसे सही होगा, थोड़ा सा लॉजिकल सोचोगे तो ये सब समझ में आ जाएगा। बाद वाला कर क्यों नहीं सकते, क्योंकि इसको भी फर्स्ट फॉर्म नहीं कर सकते, फर्स्ट फॉर्म कर देंगे तो हैव कहाँ जाएगा, हैव हटा देंगे तो फिर इसको फर्स्ट फॉर्म कहीं कैसे करेंगे, क्योंकि दोनों को करेंगे तो दो करेक्शन हो जाएंगे जो कि करने नहीं होते। ऑप्शन ए बी सी डी में करेक्शन कम मांगा जाता है, तो यहाँ पे ये ए सही करना पड़ेगा। फिर मैंने एक सिचुएशन और लिखी, इफ
आई विल मीट देम, आई शैल कन्वे योर मैसेज If I will meet them, I shall convey your message. अगर मैं उनसे मिला तो तुम्हारा मैसेज उनको दे दूंगा। अब हमने पढ़ा है कि जो इफ क्लोज होती है ना, वो कौन कौन से टेंस में आ सकती है? वो प्रेजेंट में आ सकती है, पास्ट इंडेफिनेट में आ सकती है, पास्ट परफेक्ट में भी आ सकती है, ये ओपन कंडीशन में आती है, ये सेमी क्लोज में होती है और ये क्लोज्ड में होती है। फ्यूचर में हमने नहीं पढ़ा कि इफ क्लोज जो है कभी उसको हम फ्यूचर में लिखते हैं, तो यहां पे कहां करेक्शन करें, बाद वाले में कि पहले वाले में? मेन क्लोज अगर फ्यूचर में है तो हमें इफ क्लोज को ही चेंज करना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन भी ऐसी है कि हम यहां बाद वाले में करेक्शन नहीं कर सकते, यहां पे इसको प्रेजेंट में लिखना पड़ेगा। तो ये ऐसे से ही हो जाएगा, इफ आई मीट देम आई शैल कन्वे योर मैसेज। एक सिचुएशन और लिखता हूं, इफ आई हैव ए कार आई वुड मीट यू देयर। If I have a car, I would meet you there. अब हमने यहाँ पे क्या लिखा, would plus verb की first form. Would plus verb की first form आती है semi clause में, semi clause में जो if clause होती है वो उसमें आती है verb की second form. तो यहाँ पे लिखी हुई है verb की first form. तो एक तो correction ये कर सकते हैं कि इसको हम क्या करें, head कर दें। दूसरा चेंज ये भी हो सकता है कि ये जो लिखी हुई है ये इसके हिसाब से ये ओपन में लिखी हुई है, ओपन में लिखी हुई है तो इसको हम कर सकते हैं फ्यूचर में मेन क्लोज को। अगर ये प्रेजेंट में लिखी हुई है तो मेन क्लोज किस में लिखेंगे, फ्यूचर में। तो दोनों करेक्शन पॉसिबल हैं। तो जब दोनों पॉसिबल हैं और दोनों ही मीनिंग लॉजिकल हैं, दोनों ही करने से सेंटेंस के स्ट्रक्चर, सेंटेंस के मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही सही होंगे, तो बाद वाला क्या करें, क्या करेंगे, विल। If I have a car, I will meet you there. Sixth. If I have wings, if I have wings, I would फ्लाई टू यू, इफ आई हैव विंग्स आई वुड फ्लाई टू यू। अब यहां पे तो हमने क्या लिखा था कि इफ आई हैव कार, इसका मतलब अभी मेरे पास कार नहीं है, बट ये ओपन कंडीशनल है, इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी है, तो इसका अंडरस्टूड मीनिंग हो जाएगा आई मे बी। आई मे यानी फ्यूचर में जाके कभी मेरे पास हो जाएगी। अब यहां पे लिखा है आई हैव विंग्स, इफ आई हैव विंग्स ये हमारी कंडीशन है, आई वुड फ्लाई टू यू। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, यहां विल लिख देंगे, ये प्रेजेंट में है तो सही हो जाएगी और इसका अंडरस्टैंड मीनिंग हो जाएगी आई मे बी, आई मे। तो कार तो अभी नहीं है, मान लो कुछ टाइम बाद हो गई, क्या पंख भी कुछ टाइम बाद आ जाएंगे? कार तो आ सकती है, पंख पंख तो नहीं आ सकते। तो अब हम यहाँ इसको चेंज नहीं करेंगे, अब हमें यहाँ करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोबेबल सिचुएशन नहीं है, ये इमेजिनेशन हो सकता है, ये अनरियलिटी हो सकती है, बट ये प्रोबेबल सिचुएशन नहीं है। तो इफ आई हैव नहीं करेंगे, इफ आई हैड, अगर यहाँ पे हैड लिख देंगे तो वुड प्लस ये सेकेंड हो गई, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये सही हो गया, कोई दिक्कत। इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई टू यू,
तो ये अब यहाँ पे करेक्शन नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे। तो हमें समझना यह है कि अगर दोनों तरीके से सही हो रहा है तो बाद वाला करेक्शन, बट अगर बाद वाला करेक्शन करने से मीनिंग इलॉजिकल बन रहा है, कोई वाहियात मीनिंग निकल रहा है, सेंसिबल नहीं हो रहा है, तो पहले वाला ही करेंगे। यहाँ पे ये जो कंडीशन लिखी हुई है ये प्रोबेबल सिचुएशन नहीं है, इमेजिनरी हो सकती है, ये अनरियलिटी हो सकती है। तो यहाँ पे वर्ब सेमी क्लोज्ड का यूज़ करेंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म इसको एक्सप्रेस करेगी। ये सारे एग्जाम्पल अगर समझ आ गए तो एक और लिखते हैं। इफ द डॉक्टर हैड अराइव्ड अर्लियर, द पेशेंट कुड हैव सेव्ड। हमने लिखा इफ द डॉक्टर हैड अराइव्ड अर्लियर द पेशेंट कुड हैव सेव्ड। अभी तक जो हमने पढ़ा है इफ क्लोज जो है हमारी वो लिखी हुई हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी क्लोज्ड कंडीशनल। अगर इफ क्लोज हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो मेन क्लोज में क्या होता है, कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये भी सही, ये भी सही। तो क्या ये सेंटेंस सही मान ले? जो हमने पढ़ा है ग्रामर उसके हिसाब से ये बिल्कुल सही है, बट अगर इसमें हम लॉजिक ऐड कर दें, अगर हम कॉमन सेंस लगाएं, तो ये गलत है। कैसे? ये जो हमने लिखा है द पेशेंट कुड हैव सेव्ड, पेशेंट कुड हैव सेव्ड ये एक्टिव फॉर्म है वर्ब की। एक्टिव फॉर्म मीन्स जो पेशेंट है वो ही डूअर होगा, मतलब अपने आप को खुद ही बचाएगा। क्या ऐसा होता है डॉक्टर पेशेंट को बचाता है, पेशेंट खुद को बचाता है? खुद को बचा रहा होता तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही क्या थी। तो ये एक्टिव मीनिंग कन्वे कर रहा है, ये गलत है। तो हमें यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बी की फॉर्म लगानी पड़ती है पैसिव के लिए, तो हमें यहाँ पे लगाएंगे बीन, द पेशेंट कुड हैव बीन सेव्ड। अब जाके हमारा ये सही है। तो ग्रामर एक तरफ, लॉजिक एक तरफ, तब दोनों अगर सही हैं तब जाके हमारा सेंटेंस सही होता है। ऐसा नहीं है कि अगर ग्रामेटिकली सही है, यहाँ पे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे ये जो मीनिंग है ये पैसिव करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो ये पेशेंट है ये इस वर्ब का डूअर नहीं होगा, कोई और डूअर होगा, तो हमें इसको पैसिव में लिखना पड़ेगा। उम्मीद है ये सब आपको समझ आया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर किया करो। अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इफ ही इज माई ब्रदर आई विल आई वुड हेल्प हिम। हमने पढ़ा कि अगर दोनों साइड से बाद में भी करेक्शन हो सकता है और वो मीनिंग सही कन्वे कर रहा है, और पहले वाला करेक्शन करे तब भी मीनिंग सही कन्वे कर रहा है, तो हमें बाद वाला करेक्शन करना चाहिए। तो उस हिसाब से देखें तो यहाँ पे हमने लिखा ही इज माई ब्रदर, इफ ही इज माई ब्रदर ये कंडीशन लिखी है, और ये प्रेजेंट में लिखी हुई है यानी ओपन कंडीशनल। और यहाँ पे लिखा हुआ है आई वुड हेल्प हिम, ये वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई, ये कहाँ आती है सेमी क्लोज में। तो हम इसको ऐसे ऐसे ही कर सकते हैं, आई विल हेल्प हिम। तो क्या ये सही हो गया? एक सिचुएशन ये है कि हम इसको सही कर दें, दूसरा है कि यहाँ पे हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा दें और वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, तब भी ये सही हो जाएगा। सेकेंड फॉर्म इज की क्या होती है, वॉज और वर,
बट जब हम कंडीशन में पढ़ते हैं तो हमेशा वर का यूज करते हैं। तो एक तरीका ये है और दूसरा तरीका ये है, कौन सा यूज करें? अगर जब भी हम ओपन कंडीशनल पढ़ते हैं तो उसका जो अंडरस्टूड मीनिंग क्या होता है, इफ ही इज माई ब्रदर, बट इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट का ये प्रोबेबिलिटी है, यानी ही मे बी, इसका अंडरस्टूड मीनिंग हो जाएगा ही मे, कि वो है नहीं बट हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि आज कोई मेरा भाई नहीं है बट कुछ टाइम बाद चल के वो मेरा भाई हो गया, आज वो नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता। आज जो भाई है वो कल भी रहेगा, कल भी था और हमेशा रहेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि आज कोई भाई है और कुछ दिनों बाद नहीं हो? ऐसा भी नहीं हो सकता। फ्रेंड के केस में ऐसा हो सकता है कि आज कोई मेरा फ्रेंड नहीं है, थोड़े दिन बाद हो सकता है हमारी दोस्ती हो गई, आज वो मेरा फ्रेंड है, हो सकता है कुछ दिनों बाद दोस्ती टूट गई, बट ब्रदर के केस में ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो सिचुएशन लिखी है ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। ये सब चीज़ें ग्रामर कभी नहीं सिखाएगी हमें, ये हमारा कॉमन सेंस और हमारा लॉजिक ही हमें सिखाएगा कि ये सिचुएशन गलत है तो क्यों है, तो कोई भाई है या नहीं है, ये तो हमें पता ही होता है, ये डेफिनेट होता है। तो ये प्रोबेबल नहीं हो सकता, ये अनरियलिटी जरूर हो सकती है, इमेजिनेशन जरूर हो सकता है। इमेजिनेशन को कौन डिस्क्राइब करता है? सेमी क्लोज्ड, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पे विल नहीं लिखेंगे, ये इसको वर ही लिखना पड़ेगा, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, इफ ही वर माई ब्रदर आई वुड हेल्प यू। और ये हमारा सही हो गया, इसका अंडरस्टूड मीनिंग क्या हो गया, बट ही इज नॉट, पर वो भाई है नहीं मेरा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, देखो दे वुड हैव एंजॉयड द पार्टी इफ दे वुड हैव, लिखा इफ दे वर हैड बीन प्रेजेंट देयर, वर लिख लो, हैड बीन वाला सही हो जाएगा। देखो हमने लिखा दे वुड हैव एंजॉयड द पार्टी इफ दे वर प्रेजेंट देयर, यहाँ पे लिखा हुआ है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कौन सा हो गया, क्लोज्ड कंडीशन। क्लोज्ड में क्या होता है कि जो इफ क्लोज होती है उसमें क्या होता हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हमने यहाँ पे लिखी है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो ये गलत हो गया। एक तो ये हो सकता है कि इसको हम सेकेंड फॉर्म रहने दें और यहाँ पे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख दें, वुड इंजॉय, तब भी सही हो सकता है, और दूसरा इसको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो हमने पढ़ा कि अगर दोनों पॉसिबिलिटी हैं तो बाद वाला सही करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हैड और वर की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वर जो है बी की फॉर्म होती है, इज एम आर वॉज वर बी की फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म होती है बीन, तो ये हमारा सही हो गया। अगला फिर एग्जाम्पल, इफ ही वर माई ब्रदर आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, इफ ही वर माई ब्रदर आई वुड हैव हेल्प्ड हिम,
एक और इसी से थोड़ा सा चेंज करके इसी को लिखता हूँ मैं। इफ ही हैड इफ ही वर माई ब्रदर आई वुड हेल्प यू। देखो एक और लिख देता हूँ इसी में। इफ ही हैड बीन माई ब्रदर आई वुड हैव हेल्प्ड कभी कभी को ना स्पेलिंग जो है ना उसमें गलती हो जाती है लिखते टाइम, तो आप वो करेक्ट कर लिया करो जल्दी में जब लिखता हूँ तो हो जाती है, कोई बात नहीं इसमें। ठीक है, हमने ये तीन सेंटेंस लिखे, इनमें थोड़ा थोड़ा चेंज है। यहाँ पे जो लिखा वर्ब की सेकंड फॉर्म वर पास्ट इंडेफिनेट, उसके साथ हमने लिखा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके साथ लिखा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर यहाँ पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म और वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अब हमें समझना है कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, सही है तो क्यों है और गलत है तो क्यों है। अगर हम स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें जो अभी तक हमने पढ़ा है, ग्रामेटिकली जो हमने सीखा है उसके हिसाब से ये स्ट्रक्चर सही हैड प्लस थर्ड फॉर्म वुड हैव प्लस बार, ये 12th वाला सही है वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, और इफ क्लोज में लिखा है हमने हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और उसके हिसाब से ये भी सही है, बट ये गलत है। जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके उसकी स्ट्रक्चर के जो जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ी है उस हिसाब से ये गलत है और बाकी ये दोनों सही हैं। पर हमें यहाँ पे एक चीज़ और समझनी है कि ये जो है ये पास्ट का इमेजिनेशन है, पास्ट की अनरियलिटी है। पास्ट की अनरियलिटी मतलब हो सकता है वो प्रेजेंट में जाके रियल हो जाए, प्रेजेंट में जाके पॉसिबल हो जाए। ये जो लिखा है ये प्रेजेंट का इमेजिनेशन है और ये भी प्रेजेंट का इमेजिनेशन है। प्रेजेंट का इमेजिनेशन जो होता है जैसे हम लिखते हैं ना यूनिवर्सल फैक्ट्स और जो प्रोवर्ब्स होते हैं वो प्रेजेंट में क्यों लिखते हैं, क्योंकि उनका जो इफेक्टिव टाइम होता है ना पास्ट प्लस प्रेजेंट प्लस फ्यूचर तीनों ही होता है, वो हमेशा ही सही होते हैं, इसीलिए हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखते हैं। तो प्रेजेंट का जो इमेजिनेशन है ना उनका उसका इफेक्टिव टाइम पास्ट प्लस प्रेजेंट प्लस फ्यूचर होता है, और जो पास्ट का इमेजिनेशन है ना उसका इफेक्टिव टाइम सिर्फ पास्ट होता है, हो सकता है वो प्रेजेंट में जाके रियल हो जाए। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पास्ट में कोई हमारा ब्रदर नहीं था, पास्ट की अनरियलिटी थी, वो जाके फ्यूचर में हो गई, मतलब पास्ट आज से 5 साल पहले मेरा कोई भाई नहीं था और वो आदमी तब भी जिंदा था और आज वो मेरा भाई है, ऐसा तो नहीं होता। वो अपन बना लेते हैं वो अलग बात है, बट ऐसा रियल में नहीं होता। जो भाई था वो है और वो रहेगा, जो भाई नहीं था वो नहीं था नहीं है और नहीं होगा। तो ये हो नहीं सकता है कि पास्ट में कोई ब्रदर नहीं था और प्रेजेंट में हो जाए। तो यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ना पास्ट का इमेजिनेशन ब्रदर के साथ, ये हमारा गलत है, बाकी ये दोनों सही हैं। ये दोनों सही क्यों हैं, ये तो सही है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। इफ ही वर माई ब्रदर आई वुड हेल्प हिम बट ही इज नॉट, प्रेजेंट का इमेजिनेशन है, वो मेरा भाई नहीं है इसलिए मैंने उसकी हेल्प नहीं की। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आई वुड हैव हेल्प बीम, ये इफेक्टिव टाइम है, ये जो लिखा हुआ है ये पास्ट परफेक्ट लिखा हुआ है और ये पास्ट का कंप्लीशन है, बट जो हमने इफ क्लोज में लिखा हुआ है ना ये प्रेजेंट का इमेजिनेशन है, प्रेजेंट की अनरियलिटी है। तो अगर हमें मान लो किसी से पूछना हो कि विल यू हेल्प हिम,
और सेकंड हमें किसी से पूछना हो, डिड यू हेल्प हिम, तो पहले अगर किसी ने हमसे पूछा विल यू हेल्प हिम, तो कौन सा आंसर दोगे? इफ ही वर माई ब्रदर, या फिर इफ ही वर माई ब्रदर आई वुड हेल्प हिम, या फिर इफ ही वर माई ब्रदर आई वुड हैव हेल्प हिम। अगर विल यू हेल्प हिम पूछा हो ना, तो हमें यह आंसर करना पड़ेगा। अगर किसी ने पूछा डिड यू हेल्प हिम, तो अगर ग्रामेटिकली देखें तो हम उसको ये आंसर करेंगे, इफ ही हैड बीन माई ब्रदर आई वुड हैव हेल्प हिम, बट ये लॉजिकली गलत है, तो हमें इसका आंसर ये नहीं, ये देना पड़ेगा, इफ ही वर माई ब्रदर आई वुड हेल्प हिम। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये प्रेजेंट का इमेजिनेशन है, ये पास्ट का इमेजिनेशन है। इसका इफेक्टिव टाइम प्रेजेंट प्लस पास्ट प्लस फ्यूचर तीनों ही है दोनों का जो इफेक्टिव टाइम है। तो ऐसी अनरियलिटी जो हमेशा वैलिड हो, हमने जो चौथी कंडीशन पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कंडीशन तीन टाइप की होते हैं, बट एक एक और डिफरेंट कैटेगरी पढ़ी थी, उसमें क्या लिखा था कि जो प्रोबब और जो यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं उनको हम प्रेजेंट में लिखते हैं, तो वही बात है, इसको भी प्रेजेंट का इमेजिनेशन ही लिखना पड़ेगा, भले ही ये पास्ट का टाइम हो। क्योंकि ये अगर हम यहाँ पे लिख देंगे हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म, इसका मतलब ये हो जाएगा कि हो सकता है वो फ्यूचर में भाई हो गया हो, जो कि लॉजिकली सही नहीं है। तो ये हमारा सही है, ये हमारा सही है, बस इन दोनों का डिफरेंस ये समझ लेना। जैसे अगर कोई तुमसे ये पूछे विल यू हेल्प हिम, क्या तुम हेल्प करोगे, तो हमें ये आंसर ये करना पड़ेगा। अगर ये कोई पूछा क्या तुमने उसकी हेल्प की, तो हमें ये आंसर करना पड़ेगा, यानी इसका टाइम पास्ट का है, इसका टाइम प्रेजेंट, ये प्रेजेंट की इमेजिनेशन है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर ये सारी बातें समझ में आ गई, तो एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, वो आपको उसके आंसर कमेंट में करने हैं, उसका जो भी आंसर होगा वो कमेंट करके बताना है, जो कि मुझे पता है आप करोगे नहीं, बट फिर भी मैं लिख देता हूँ। कितने 12-13 हो गए होंगे। इफ ही ए पैरट ही अवे फ्रॉम द प्रिजन, इफ ही ए पैरट ही अवे फ्रॉम द प्रिजन, इसके चार ऑप्शन देख लेते हैं। ए मैंने लिखा वर वुड फ्लू, बी लिखा वर इज विल फ्लाई, सी लिखा वर वुड हैव फ्लोन। डी लिखा हैड बीन वुड हैव फ्लोन। ये हमारे पास क्वेश्चन है और उसके ये चार ऑप्शन है, ठीक है? तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है और बाकी तीन गलत क्यों है। तो इसका आंसर आप कमेंट में करोगे 13 का। बाकी अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। दो तीन वीडियो और आएंगे लगभग कंडीशनल के, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपको सही लग रहा है कि कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप शेयर कर सकते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीबडी।